1981 में आज ही के दिन मशहूर भारतीय क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी का जन्म हुआ था। धोनी भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान और विकेटकीपर बल्लेबाज हैं। दाएं हाथ के बल्लेबाज धोनी ने अपना क्रिकेट करियर बिहार अंडर 19 से शुरू किया था। धोनी को 1998 से 1999 के दौरान कूच बिहार ट्रॉफी से क्रिकेट में पहचान मिली। इस टूर्नामेंट में धोनी ने 9 मैचों में 488 रन बनाए और 7 स्टंपिंग भी किए। इस प्रदर्शन के दौरान उन्हें 2000 में पहली बार रणजी में खेलने का मौका मिला। 18 वर्ष की उम्र में धोनी बिहार की टीम से रणजी में दाखिल हुए। रणजी में खेलते हुए 2003 से 2004 तक कड़ी मेहनत की वजह से धोनी को जिम्बाब्वे और केन्या दौरे के लिए भारतीय ए टीम में चुना गया। जिम्बाब्वे के खिलाफ उन्होंने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 7 कैच और 4 स्टंपिंग की। इस दौरे पर धोनी ने 7 मैचों में 362 रन भी बनाए। धोनी भारत के 2 क्रिकेट विश्व कप जिताने वाले पहले कप्तान हैं। क्रिकेट में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए धोनी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार और पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। आज के दिन 1985 में पश्चिमी जर्मनी के खिलाड़ी बोरिस बेकर ने महज 17 साल की उम्र में टेनिस विंबलडन जीतकर तहलका मचा दिया। बेकर न केवल इस खिताब को जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी थे, बल्कि वो इस खिताब को पाने वाले पहले जर्मन खिलाड़ी भी थे। अपनी जीत के बाद बेकर ने कहा कि इस जीत से जर्मनी में टेनिस बदल जाएगा। मैंने पहला विंबलडन जीता है और अब उनके पास एक आदर्श है। बेकर को उनके आक्रामक अंदाज और तीखे तेवरों की वजह से टेनिस जगत में अलग पहचान मिली। बेकर ने विंबलडन पुरुष एकल खिताब अगले वर्ष फिर जीता और उसके बाद तीसरी बार 1989 में जीता था। कुल मिलाकर उन्होंने अपने करियर में 6 ग्रैंड स्लैम खिताब जीते। 1981 में बेकर दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी की वरीयता पर आ गए थे। 1999 में आज ही के दिन कैप्टन विक्रम बत्रा का निधन हुआ था। 1996 में इन्होंने भारतीय सेना अकादमी देहरादून में प्रवेश लिया था। 1997 में बत्रा जम्मू के सोपोर नामक स्थान पर सेना की 13 जम्मू कश्मीर राइफल्स में लेफ्टिनेंट पद के लिए चुने गए थे। 1999 में इन्होंने कमांडो ट्रेनिंग के साथ कई अन्य प्रशिक्षण भी लिए। 1 जून 1999 को उनकी टुकड़ी को कारगिल युद्ध में भेजा गया। हम्प व राखी नाप स्थानों को जीतने के बाद उसी समय विक्रम को कैप्टन बना दिया गया। इसके बाद श्रीनगर लेह मार्ग के ठीक ऊपर सबसे महत्वपूर्ण 5140 चोटी को पाक सेना से मुक्त करवाने का जिम्मा भी कैप्टन विक्रम बत्रा को दिया गया। बेहद कठिन क्षेत्र होने के बावजूद विक्रम ने अपने साथियों के साथ 20 जून 1999 को सुबह 3:30 पर इस चोटी पर अपना कब्जा पा लिया। कारगिल शेर के नाम से मशहूर विक्रम को मरणोपरांत परमवीर चक्र से नवाजा गया। आज ही के दिन 2005 में लंदन में बम धमाके हुए थे। इस आतंकवादी हमले में 52 लोग मारे गए और 700 लोग घायल हुए थे। यह धमाके 4 आत्मघाती हमलावरों ने किए थे। 4 में से 3 आतंकवादी पाकिस्तानी मूल के ब्रिटिश नागरिक थे। ट्रेन के अंदर 3 में से पहला धमाका सुबह 8:30 हुआ था, जब ट्रेन सुबह दफ्तर जाने वाले लोगों से भरी थी। आखिरी धमाका करीब घंटे भर बाद एक डबल डेकर बस में हुआ। लंदन के तत्कालीन विदेश मंत्री जैक स्ट्रा ने धमाकों के बाद बयान दिया कि धमाकों को देखकर उन पर अलकायदा के चिन्ह साफ दिखाई देते हैं। प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर ने कहा कि दोषी लोगों को हर हाल में कानून का सामना करना पड़ेगा। अलकायदा ने एक वीडियो संदेश जारी कर इन धमाकों की जिम्मेदारी ली थी। 21 जुलाई 2005 को भी 4 और धमाके करने की कोशिश की गई, लेकिन सारे बम पकड़े गए।